वो पूरा ऊपर दे रखा, बना रखा भाई है भाई, ये इसकी मोटर है। तो भाई ब्लोअर और MBBR1 ये प्लांट अपना पूरा ऊपर बना रखा है, देख लो भाई 60 MLD का प्लांट बना रखा भाई। और नीचे अपना है जो वो प्लांट है, देख लो पूरा सेट हो रहा है भाई, पूरा प्लांट सेट अपना भाई। ये वो देख लो टीन शेड बना रखी है भाई, और 60 MLD का अपना प्लांट है भाई, अपना देख लो भाई 50 KLD का, सॉरी भाई। यो देख लो भाई, नीचे अगर किसी को नहीं पता हो भाई कौन सा टैंक कहाँ पे है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो दोस्तों। यो STP प्लांट दे रखा 50 KLD का, और MBBR1 ये सारा सिस्टम देख लो, वो पूरा नाम नंबर सब बुले रखे इसके ऊपर। फिल्टर प्रेस मशीन दे रखी है भाई, ये इसकी मोटर है भाई, ये फिल्टर प्रेस है, ये ब्लोअर दे रखे भाई। तो भाई ब्लोअर की रिपेयरिंग के लिए आए थे, थोड़ी ब्लोअर में हो रखी थी इसलिए आए थे इस साइड पे भाई, तो वो आपने दिखा दूँ भाई मैं। फिलहाल लाइट नहीं है भाई इसलिए प्लांट बंद है, लाइट की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रखी है, उसके बाद प्लांट को रन करेंगे भाई। ये देखो वो पूरा प्लांट। तो दोस्तों अगर अपने वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दियो वीडियो ने भाई, और कमेंट करना भाई कोई जानकारी चाहिए तो आपको ज़रूर। तो दोस्तों आपको ऊपर लेके चलते हैं भाई ट्रीटमेंट प्लांट पे। यो देखो भाई सबसे पहले टैंक आवा अपना भाई यो है, जैसे ऊपर चढ़ाएंगे आप भाई तो 60 MLD का प्लांट है यो, और 60 MLD के प्लांट में देखो आपने दिखा दूँ भाई क्या क्या कौन से टैंक लगे हुए हैं भाई, देख लो। ये तो बस एंटाऑक्सीडिक और भाई SST ये टैंक हो गया भाई, और उसके बाद है MBBR1 है और ये MBBR2 है भाई, जिसको जानकारी होगी उसको पता होगा भाई। देखो ये पाइप लगा रखे भाई, किस प्रकार के जो पाइप होते हैं वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हो भाई। 60 MLD का प्लांट है भाई, छोटा ही प्लांट है, अभी रनिंग में नहीं आया है भाई, तो आपने दिखा देता हूँ भाई पहले पूरा सिस्टम कैसे सेट कर रखा है भाई। यह लाइन आप देख सकते हो भाई, ये लाइन है अपनी भाई एयर ब्लोअर के लिए जो है लाइन दे रखी है भाई, और उसके बाद MBBR 1-2 के बाद अपना भाई ट्यूब सेलर टैंक है, देख लो भाई ये ट्यूब सेलर टैंक है भाई। यहाँ से क्या होगा अपना पानी के भाई नीचे से निकल के ट्यूब सेलर टैंक से ऊपर आएगा, और इसमें से फिल्टर हो गया भाई, यहाँ से दिखाई दे रहा है वो आपने, वो आगे से भाई वहाँ से अंदर उस साइड निकल जाएगा भाई, उस साइड निकलने के बाद भाई अगले टैंक में आ जाएगा भाई, फिल्टर फीड आ गया अपना टैंक भाई, वो फिल्टर फीड में पानी आ जाएगा, ट्यूब सेलर तो फिल्टर फीड में आओगा भाई, और फिल्टर फीड में आपने दिखा दिया दोस्तों नीचे देखो भाई ये मोटर लग रही है, ये वो लग रही मोटर, और उस मोटर से भाई ACF और MGF के द्वारा वाटर जो है बिल्कुल साफ़ होगा भाई, ट्रीटेड वाटर जो है अच्छी तरह साफ़ हो गया अपना, और ट्रीटेड वाटर भाई उसके बाद लास्ट वाले इस टैंक में चला जाएगा अपने हम भाई, जो कि अपना प्योर वाटर होगा भाई, पूरा साफ़ पानी होगा जिसको बोलेंगे आप भाई, और इसको फिर आप भाई कहीं पर यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में या भाई फ्लश वगैरह में हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं भाई। और अपना पूरा प्लांट दिखा दूँ अपने पहले भाई मैं, ये देखो भाई प्लांट में कौन से पंप लग रहे हैं, जिसको नहीं जानकारी होगी वो आप देख सकते हो भाई दोस्तों। ये देखो भाई ACF MGF टैंक लग रहे हैं भाई, और ये वाटर शॉपनर लग रहा है भाई, ठीक है भाई ये वाटर शॉपनर के बाद देख लो भाई साइड तक अपना दिखा दूँ फिर अपने नीचे में, ये भाई एयर ब्लोअर लग रहे हैं भाई, और एयर ब्लोअर के बाद देख लो भाई आप ये टैंक लग रहे हैं भाई, टैंकों में देख लो भाई एयर ब्लोअर ये लग रहे हैं, दोनों एयर ब्लोअर हैं वो दोनों, ये अपना यहाँ पर पैनल लगा रखा है भाई, और उसके बाद दोस्तों क्या रखा है, यो जो भी अपना स्लज इकट्ठा होगा उसको निकालने के लिए देख लो भाई, यो स्लज होल्डिंग टैंक से जो है अपना टैंक इसमें आएगा, और इसमें से स्लज को निकाला जाएगा भाई, फिल्टर प्रेस मशीन बोलते हैं जिसको आप भाई, ये वो हो गया भाई, और ये सबसे पहले हो गया अपना भाई यहाँ पर दे रखा कोने भाई स्लज होल्डिंग टैंक,
ये यहाँ पर सलेज होल्डिंग टैंक दे रखा है भाई सबसे पहले इसमें, और जो सबसे पहले जो टैंक दे रखा है वो दे रखा है देखो भाई नीचे दे रखा है कलेक्शन टैंक, ये नीचे है भाई कलेक्शन टैंक पूरा वहाँ तक भाई, वो कलेक्शन टैंक भी बना रखा है नीचे अंडरग्राउंड है ये तो भाई पूरा, जबकि जो अपना प्लांट है वो पूरा ऊपर दे रखा है बना रखा है भाई।